हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिपाही फार्मा के क्या का काम रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा आफ्टर ट्रेनिंग। इन ट्रेनिंग बात नहीं करूँगा, इन ट्रेनिंग का वीडियो आपके पास है, जाके देख सकते हैं। आपका ट्रेनिंग शेड्यूल भी कम हो गया है, 2.5 साल 3 साल से अभी सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का ट्रेनिंग रह गया, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अभी समझ लो कि आप ट्रेनिंग करने के बाद आपका क्या काम रहेगा, डेली टू डेली आपका क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा, अगर आपकी जो पोस्टिंग होता है कोई भी यूनिट में नहीं होता है, आपको कोई डाउट होगा कि मैं गोरखा में जाना चाहता हूं या फिर कहीं गढ़वाल में जाना चाहता हूं, इन्फेंट्री आरटी में जाना चाहता हूं, तो आपका कोई भी यूनिट में पोस्टिंग नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको एक सिपाही फार्मासिस्ट है और आपकी ज़रूरत एमएच में है, मिलिट्री हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जहाँ भी डिस्पेंसरी होगा, जहाँ पर भी जो रिसेप्शन होगा मेडिसिन के, वहाँ पर आपकी मेन काम रहेगा कि उसको कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, और जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी मेन काम रहेगा, ठीक है। क्वालिटी चेक और जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और जो जैसे मेडिसिन को ज़रूरत होता है उसको मंगाना, वो सारे डिस्ट्रीब्यूट करना वो आपकी काम रहेगा। तो यूनिट में आपके कोई भी काम नहीं, यूनिट का जो काम है वो नर्सिंग असिस्टेंट देखेगा। हम दूसरे वीडियो में ये भी बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट का सुबह से लेकर शाम तक का क्या टाइम है। अगर आप चैनल में नए हैं तो लगता है यूजफुल चैनल, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको, अभी सुबह क्या है एमएच में, जैसे आपकी पोस्टिंग हो गया, कोई भी एमएच है, बहुत सारे मिलिट्री हॉस्पिटल है कैंटोनमेंट में, वहाँ पर आपकी जैसे पोस्टिंग हो गया, उड़ने के बाद सुबह आप करीब 5 बजे उठ जाते हैं सुबह, और वहाँ पर आपको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, पीटी करना पड़ता है, जो कि रहता है 40। पीटी लगभग 6 से लेकर 6:40 तक आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप करने के बाद आप फिर आते हो वापस आपकी रूम में आते हो। अगर आप फैमिली मेम्बर, जैसे आपके 21 साल हो गया, शादी हो गया, आप फैमिली क्वार्टर में रख सकते हो, अपनी वाइफ को, पेरेंट्स को भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको बैरिक्स में आना पड़ेगा, जहाँ सोते हैं नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह, उन्हीं के साथ आपकी भी मतलब सफ़र शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर आओगे, आने के बाद 6:40 के बाद आप वापस रूम में फ्रेश होकर आप ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट वहीं आपको कुक हाउस में मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपकी जो ऑफिस का टाइम है वो 8:30 से लेकर 9 के बीच में शुरू होगा, यानी 8:30 मान लीजिए आपकी ऑफिस शुरू होता है। आप जाते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल, वहाँ पर आप बाई कार लेके जा सकते हैं, बाई बाइक लेके जा सकते हैं, पैदल भी चल सकते हैं, अगर नज़दीक है एमएच तो जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्वार्टर कहाँ पर है, तो वहाँ पर से लगभग नज़दीक ही रहता है। अगर आप सिंगल मेंबर है, शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो वहाँ पर आपका नज़दीक ही रहता है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस रहता है 300-400 मीटर हार्डली। अगर आप शादीशुदा है, क्वार्टर थोड़ी सी दूर रहेगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2-3 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। और ये कैंटोनमेंट में अगर आप फैमिली रखते हो तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सारी सुविधा कैंटोनमेंट के अंदर ही मिल जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे कैंटोनमेंट देखा होगा, दिल्ली, जलंधर, बहुत सारे कैंटोनमेंट है, आप नेट पे भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ऑफिस गए, वहाँ पर आप सीधा चले गए अपनी मेडिसिन स्टोर में, ठीक है। वहाँ पर आपने चेक किया कि मुझे कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, बहुत सारे डिमांड्स आएंगे रेजिमेंट से कि हमें ये मेडिसिन की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप मेडिसिन की क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। करने के बाद आप उसकी डिमांड देंगे हायर हेडक्वार्टर्स में, जो आपकी डिमांड देंगे उस हिसाब से आपका मेडिसिन आएगा। उसकी ऑडिट करना, कितना मेडिसिन ख़त्म हो गया, कितना आया था, वो सारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो आपका है। नर्सिंग असिस्टेंट आता है कि उसको कितना मेडिसिन देना है, कौन सी जो डिजीज़ के लिए कितना मेडिसिन मंगाना है, वो सारे जितने भी क्या है, एक जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और इज्जत वाला भी काम है, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आप जैसे जिसको जो ज़रूरत है, अपने ऑफिशियल काम किया, इतना मुझे टैबलेट्स ज़रूरत है और इतना मेरा ख़त्म हो चुका है, उसका रिपोर्ट्स बनाया, डॉक्टर के साथ आपने बात किया एक बार कि हाँ मेरे को ये सारे चीज़ चाहिए, उसके बाद आपने नर्सिंग असिस्टेंट का जो रेजिमेंट्स आएंगे उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया, ये लगभग इतना ही काम रहेगा आपका। उसके बाद आपका जो ऑफिस टाइम बंद हो जाता है 1:30 बजे आप अपना स्टोर बंद करेंगे और आप वापस अपने बैरिक्स या फिर फैमिली मेम्बर है तो कहाँ जाएंगे, क्वार्टर में जाएंगे, ठीक है, समझ गए, वहाँ पर चले गए। उसके बाद आपको लगभग 4 से 4:30 के बीच में, वहाँ पर से लेकर आपका 1:30 से लेकर 4:30 मान लीजिए आपकी रेस्ट है, वहाँ पर आपके कोई काम नहीं है, 4:30 बजे आप आएंगे गेम पीरियड में। गेम में क्या है, आपकी जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट को छोड़ के सेना में सारे गेम्स चलते हैं, आपको जो भी गेम्स पीरियड होता है 40 मिनट का, ठीक है, वहाँ पर गेम खेलेंगे आप। गेम खेलने के बाद फिर वापस अपने क्वार्टर में जाएंगे और उसके बाद आपकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं होता सिपाही फार्मा के, ना नाइट में कोई काम होता है। हाँ, खुदा ना खास्ता ऐसे इमरजेंसी होता है, सिचुएशन आता है, आपको कोई चीज़ देना होता है इमरजेंसी पेशेंट, ऐसे तो हम इंडियन आर्मी की जवान है, वर्दी पहना है, तो 24 घंटे की हम काम रखते हैं 24x7, ठीक है। और उसके लिए क्या, हमें गर्व है, चाहे आप सिपाही फार्मा है, जीडी में जा रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट में जा रहे हैं, हम सभी ने वर्दी पहना है और यूनिफॉर्म है, हमारा क्या पैशन नहीं है, एक लाइफ है,
तो उसके लिए काम करना तो गर्व की बात है। अगर रात को ऐसे ज़रूरत पड़ता है कि मेडिसिन ख़त्म हो जाते हैं, इमरजेंसी में कुछ मेडिसिन चाहिए जो स्टोर से निकलना है, तो आप रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, आप आएंगे वो वापस देंगे और फिर आप चले जाएंगे। तो वहाँ पर आपका जैसे हो गया 5:30-6 बजे तक आप गेम खेल के चले गए, 4:30 से 5:30, उसके बाद आप गए नहाए धोए, आपने कैंटोनमेंट में वाइफ के साथ घुमा, या सिंगल है तो आप सिंगल भी घूम सकते हो। बाहर जाने का डेली बाहर आप जा नहीं सकते, लेकिन संडे को एक आउटपास होता है, वह साइन करके आप लेके बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई नहीं। सुबह जा सकते हैं, शाम को आपको आना पड़ेगा कैंप में वापस, ठीक है। और ये रहेगा आपका डेली का शेड्यूल। उसके बाद 5:30 बजे बाद कोई काम नहीं, फिर सुबह आपने पीटी के टाइम में आना है 6 बजे या 5:30-6:30 जब भी होता है 40 मिनट के लिए। तो अगर देखा जाए ना, बाकी जो जीडी वाले बंदे हैं, नर्सिंग असिस्टेंट से, काफ़ी आपकी जॉब प्रेफरेंस बहुत अच्छा है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपकी अगर फार्मेसी की डिग्री है तो सिपाही फार्मा में जाओ, सैलरी वही मिलेगा जितना नर्सिंग असिस्टेंट को मिलता है उतना आपको मिलेगा। लेकिन जॉब में देखो रिलैक्स कितना है, फैमिली रखोगे, बच्चे रखोगे, आपके साथ बहुत टाइम मिलेगा आपको स्पेंड करने के लिए ना, आपका बस ऑफिस ऑफिस ही रहेगा, लाइक एक सिविल की नौकरी है आपकी। तो ये था आपकी शेड्यूल्ड, इससे ज़्यादा कोई शेड्यूल्ड नहीं है। रात को आप पढ़ाई कर सकते हो, SSC वगैरह के लिए पढ़ाई कर सकते हो, और सिविल का कोई पढ़ाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो। अभी यहाँ पर आता है कि क्या आप चॉइस ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हो, क्या मैं गोरखा में जाना चाहता हूँ सर, मेरा एक सपना था, मेरे फादर थे, जी नहीं जा सकते, आपके कोई भी रेजिमेंट में पोस्टिंग नहीं होता, आपके सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टिंग होगा। इन केस ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट इफ़ यू आस्क मी देन यस, आप जा सकते हो वहाँ पर, लेकिन डिपेंड अपॉन वैकेंसी, ठीक है। और सिपाही भर में आप मिलिट्री हॉस्पिटल में रहेंगे, ठीक है, आपका 3 साल का पोस्टिंग रहता है, MS to MH पोस्टिंग रहेगा, मिलिट्री हॉस्पिटल टू मिलिट्री हॉस्पिटल। साथ में आपको नेवी और MNS और एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स और जो नर्सिंग स्टाफ्स मिलेंगे उनके साथ भी काम करने के लिए मिलेगा, तो अच्छा रहेगा आपकी जो एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा। अगर 10 रेटिंग देना चाहूँ मैं सिपाही फार्मा को, तो मैं 10 out of 10 दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका कुछ शेड्यूल्ड। और यहाँ पर एक सवाल और आता है, सर कैन आई जॉइन NSD फ्रॉम सिपाही फार्मा और पैरा SF, देन येस यू कैन जॉइन, आप वॉलंटियर कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप पैरा SF ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिफोर 5 ईयर्स आप अप्लाई कर देना, अगर आप NSD ज्वाइन करना चाहते हैं 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप अप्लाई कर देना। अगर आप फौज में ऑफिसर बनना चाहते हैं पैरा सिपाही फार्मा से, तो 2 साल के बाद आप SCC के लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू आस्क मी कि सर क्या मैं गरुड कमांडो और मेरीन कमांडो बन सकते हो, जी नहीं, मेरीन कमांडो बनने के लिए आपको नेवी में जाना पड़ेगा, गरुड कमांडो बनने के लिए आपको एयरफोर्स में जाना पड़ेगा, आप आर्मी में वहाँ पर नहीं जा सकते। आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया है, कुछ भी रह गया तो नीचे कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।